वेलकम टू यूनिग स्कूल इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे आप लोग जेनेट पेज थीम को कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है यहाँ पर स्क्रीन के अंदर जो आप लोग यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो ये जेनेट पेज से बना हुआ है इसको हम लोग कस्टमाइज कैसे किया है कैसे इस तरह का हम लोग सोशल मीडिया बार यहाँ पर लेकर आया है कैसे हम लोग रिसेंट पोस्ट वगैरह यहाँ पर दिया है और इस तरह का डिजाइन बेसिकली हम लोग कैसे किया है ये अगर आप लोग देखना चाहते हो और इस तरह का एड ब्लॉग और साइट क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हम लोग आपको दिखाया है तो चलिए इस तरह का वेबसाइट कैसे बनाते हैं और कैसे थीम को कस्टमाइज करते हैं चलो देखते हैं सबसे पहले हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर हम लोग आते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो ये हमारा वेबसाइट है और अभी अभी इसके अंदर हम लोग वाटपिस को इंस्टॉल किया है और इसी के अंदर हम लोग जेनेकप थीम को इंस्टॉल करके यहाँ पर हम लोग कस्टमाइजेशन करना आपको सीखेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं और जेनाट पर जो थीम है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं इसके लिए यहाँ पर से थीम सेक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ थीम में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग पॉपुलर थीम से हम लोग जेनाट पर थीम को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं जेनाट पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ यह थीम हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसके जो प्रीमियम वाला थीम है उसको भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम लोग जेनाएडपेस का जो मार्कर थीम है वो हम लोग कस्टमाइज करना आपको दिखेंगे वो आपको प्रीमियम में ही मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर एक्टिव में क्लिक कर देते हैं और ये हमारा एक्टिव हो जाएगा देख सकते हो ये हमारा एक्टिव हो चुका है यहाँ पर अगर आप लोग जेना एडपेस लिख कर सर्च करोगे तो जेना एडपेस का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा यहाँ से आपका जो प्राइसिंग अगर देखोगे तो यहाँ से आपको जेना एडपेस का जो प्रोवराम है वो आपको यहाँ से परसेस कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो तो, वन ईयर के लिए यहाँ पर फिफ्टी नाइन डो और मैं आप लोग इसको ले सकते हो ठीक है तो इसको लेने के बाद इसको कैसे इंस्टॉल करोगे यहाँ से आपको एक प्लग दे, दे देगा उसको आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से हम लोग प्लग को इंस्टॉल कर लेते हैं इसके लिए यहाँ पर प्लग सेक्शन से हम लोग एड न्यू प्लग के अंदर जाते हैं और आप में क्लिक करते हैं और सिलेक्ट फाइल में क्लिक करके हमारा जो है उसको हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल नाउ बटन में क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं ओके हमारा प्लग इंस्टॉल हो चुका है इसको एक्टिव कर लेते हैं तो अभी आप लोग देख सकते हैं तो हमारा जो पे इसका प्रीमियम प्लग इंस्टॉल हो चुका है तो ये दोनों प्लग का कोई काम का नहीं है ये दोनों को हम लोग डिलीट कर देते हैं और वेबसाइट को अगर विजिट करना चाहेंगे तो हमारा वेबसाइट इस तरह का भी हो चुका है और हेलो वार्ड नाम से एक पोस्ट आ चुका है हेलो वार्ड पोस्ट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोगों का तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जेनाएड पेस में जाएंगे से जेनाड पेस के अंदर तो और यहाँ पर आपका जेनआड पेस का जो लाइसेंस है वो आपको देना है और लाइसेंस एक्टिव कर लेना है उसके बाद आपका जो मॉड्यूल है ये सारा मॉड्यूल है इसको एक्टिव कर लेना है ठीक है सारा मॉड्यूल को आप लोग चाहो तो एक्टिव कर सकते हो ठीक है तो ये सारा मॉड्यूल को मैंने एक्टिव कर लिया है उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर रिलोड करेंगे रिलोड करने के बाद यहाँ पर साइट लाइब्रेरी नाम का एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर जाना है और साइड लाइब्रेरी से आपको जो मार्कर थीम है उसको इंस्टॉल करना है ठीक है तो यह से हम लोग हमारे जो मार्कट थी में उसको इंस्टॉल करेंगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ये मार्कट थी में इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग गेट स्टैंड में क्लिक करते हैं गेट स्टैंड में क्लिक करने के बाद हमारा जो ये जेनाट बुक लागे है ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद अंडर स्टैंड और इमपोर्ट में क्लिक कर देते हैं ठीक है ठेके? तो यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली ओके थोड़ा सा वाइट करते हैं वाइट करने के बाद हमारा सारा कंटेंट वगैरह यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो वो जेड इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पर हो चुका है आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कंप्लीट तो आप लोग, तो लोग व्यू साइट में अगर क्लिक करेंगे तो अभी हमारा साइट इस तरह का दिख रहा है आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो इस तरह का हमारा साइट दिख रहा है तो अभी हम लोग इसको कस्टमाइज वगैरह करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर जाते हैं कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर आने के बाद साइड आइडेंटिटी के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग हमारे जो लोगो है उसको सेट कर देते हैं ठीक है तो एक लोगो को हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देते हैं ओके ओके क्रॉप करके हम लोगों लोग को ऐड कर दिया है और यहाँ पर माय ब्लॉग इसको हम लोग हाइड कर देते हैं जहाँ सामाना लोगों यहाँ पर रहना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ लोगों हो चुका है उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करके रिटर्निंग लोगों को भी यहाँ पर डाल देना है उसके बाद साइट का आइकॉन यहाँ पर जो आइकॉन रहता है उस आइकॉन को यहाँ पर सिलेक्ट करके आपका आइकॉन को अपलोड कर सकते हो ठीक है तो देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने आइकॉन को भी क्रॉप करके डाल दिया है उसके बाद पब्लिश में क्लिक कर देना है तो ये हो चुका है उसके बाद बैक जाना है और यहाँ पर आपका लेवर्ड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर कंटेनर में जाना है और आपका लेवर्ड का जो यहाँ पर साइज़ है वो कितना आप लोग देना चाहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ वन थाउजेंड फिफ्टी ओके वन थाउजेंड फिफ्टी में दे दिया हो उसके बाद पब्लिश में क्लिक करना है और यहाँ पर स्पेसिंग में थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर हम लोग स्पेसिंग टू देते हैं और यहाँ पर सेपरेट इसमें हम लोग टू है टू ए देते हैं ठीक है तो ये बेस्ट है उसके बाद सेपरेट को हम लोग वन कलम में कर सकते हैं जैसे हम लोग वन कलम में किया है तो इस तरह का आप लोग देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर आप लोग बॉक्स कर सकते हो टेक्स कर सकते हो तो हम लोग इसको टेक्स भी करते हैं और पेडिंग वगैरह में हम लोग यहाँ पर पेडिंग देते हैं टेन यहाँ पर आप यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर सारा में हम लोग टेन देते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारी जो पेनिंग है वो टैन हो चुका है उसके बाद पब्लिश में क्लिक कर देना है ठीक है उसके बाद बैक जाना है और यहाँ पर हेडर के अंदर आप लोग जाना है हेडर के अंदर आप लोग जो है इसमें ही दीजिए उसके बाद प्राइमरी नेविगेशन यहाँ पर आ, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है जो है ऐसा ही रहने दीजिए उसके बाद स्टिकी नेविगेशन स्टिकी नेविगेशन ऑन है अगर आप लोग इसको ऑफ करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से ऑफ कर सकते हो ठीक है ये ऑन है यहाँ पर अगर हम लोग टॉप में जाएंगे तो यहाँ पर स्टिग हो जाएगा ठीक है तो ये मुझे ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रख देते हैं उसके बाद यहाँ पर कैनवा इसको अगर आप लोग इनेबल करोगे ऑन करोगे तो ये कैनवा ऑन हो जाएगा यहाँ पर क्लिक करके ये कैनवा ऑन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्लिक करके कैनवा ऑन हो जाएगा तो इसको हम लोग ऑफ ही रखते हैं इसका कोई जरूरत नहीं है पब्लिश में क्लिक कर देते हैं उसके बाद बैक साइट बन ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हम लोग एलिमेंट से साइड बार बनाएंगे यहाँ पर पैडिंग वगैरह रहा हम लोग यहाँ पर भी टेन कर देते हैं इतना पेडिंग का कोई जरूरत नहीं है ओके okay, उसके बाद पब्लिश और यहाँ पर हम लोग ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं ब्लॉक का जो यहाँ पर एक्सपेक्ट वार्ड है वो कितना देना अच्छा चाहता हो यहाँ पर ट्वेंटी है तो ट्वेंटी डेन दीजिए उसके बाद फुटर ऑप्शन के अंदर ये भी एलिमेंट से बना हुआ है तो इसमें भी हम लोग पेरिंग बगरा हम लोग टेन कर देते हैं इतना पेरिंग हम लोग को नहीं चाहिए टेन कर देते हैं उसके बाद बैग जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कलर ऑप्शन के अंदर जाते हैं और आपका हेडर कलर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं सबसे पहले हेडर का जो भी कलर आप लोग देना चाहता हो वो कलर आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए ठीक है ओके इस तरह का मैं हेडर कलर देना चाहता हूँ उसके बाद यहाँ पर एक्टिव कलर यहाँ पर एक्टिव कलर इस तरह का मैं डाल देता हूँ ओके okay. इसको कॉपी कर देता हूँ कलर कोड को और यहाँ पर होवर हुँ। कलर भी इस तरह का होगा होवर का ज़रा चेंज कर देते हैं ओके okay. इस तरह का हो जाएगा उसके बाद पब्लिश में क्लिक कर देते हैं बैक जाते हैं टाइपोग्राफी के अंदर आपका जो फॉन्ट वगैरह है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो जो भी फॉन्ट तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट है मैं उसी को रखता हूँ उसके बाद बैक जाता हूँ जनरल में इसमें आपको स्मूथ इस एक इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपका अच्छा से यहाँ पर लोड हो जाए आपका वेबसाइट उसके बाद ओके okay. उसके बाद मेनू के अंदर मेनू हम लोग बेकेंड से सेटअप से करेंगे विजिट भी करेंगे और यहाँ पर होम पेस ओके okay. एडिशनल सीएसएस के अंदर कुछ एडिशनल सीएसएस हम लोग ऐड करेंगे बाद में ठीक है अभी इससे हम लोग कट करके बाहर हो जाते हैं ठीक है थेके? अभी हमारा इस तरह का हो चुका है हमारा वेबसाइट तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं ठीक है और यहाँ पर एप से सॉरी यहाँ पर एप से हम लोग मेन ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर साइड बार देख सकते हो तो साइड बार तो साइड बार को हम लोग एडिट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी साइड बार का एलिमेंट दिया हुआ है ये सारा एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर देंगे ठीक है ओके ये सारा साइड बार को हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से हम लोग यह से लेते हैं और इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं ठीक है ठीके? तो साइड बार हमारा रिमूव हो चुका है अभी हम लोग आ, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा उस लिंक के अंदर क्लिक करना है और इस आर्टिकल के अंदर आपको लेकर आठ ठीक है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक साइड बार का कोड दिखेगा उस कोड को कॉपी को कर लेना है यहाँ पर जैसे साइड बार कोड तो यहाँ से कॉपी कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है ठीक है तो जैसे आप लोग यहाँ पर डाल दोगे तो इस तरह का डिज़ाइन वाला साइड बार आपका सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपका फेसबुक का आप लोग यहाँ पर लिंक दे सकते हो आपका उसके बाद ट्विटर का लिंक दे सकते हो उसके बाद यहाँ पर आप लोग आपका जो यहाँ पर यूट्यूब का लिंक है अगर है तो आप लोग दे सकते हो ठीक है उसके बाद इसको सेब में क्लिक कर देना तो ये सेब हो जाएगा और आपका साइड बार चेंज हो जाएगा देख सकते हो हमारा जो साइड बार है ऑलरेडी यहाँ पर चेंज हो चुका है अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमारा जो वाला ऑप्शन है ये भी चेंज करेंगे सबसे पहले फुटर को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं तो साइड फुटर को अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो फुटर दिया हुआ है डिलीट कर देते हैं ठीक है इसका कोई ज़रूरत नहीं है और फुटर का कोड भी यहाँ पर मिलेगा इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस कर देना है तो इस तरह का डिज़ाइन वाला फूडर नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपका लिंक वगैरह दे देना है ठीक है प्राइवेसी पॉलिसी पेस्कार डिस्कलेवर एवडास और यहाँ पर आपको वेबसाइट नेम वगैरह देना है उसके बाद सेब में क्लिक कर देना है तो ये भी सेव हो जाएगा यहाँ पर रिलोड करके मैं दिखाता हूँ इस तरह का आपका फूडर हो चुका है ठीक है तो अभी हम लोग ये जो मेन पार्ट है इसको कस्टमाइज करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक सी कोड मिलेगा ये जो सी एस एस कोड है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जितने भी एडिशनल सी एस एस है ये कट कर देना है ठीक है कट करके हमारा जो सी एस एस है वो हम लोग यहाँ पर प्रेस कर देते हैं ठीक है ठेके? तो हमारा सारा सी एस एस यहाँ पर आ चुका है अभी पब्लिश में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कट कर देते हैं और हम लोग अभी देखते हैं सी एस एस देने के बाद क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हुआ है ठीक है तो देख सकते हो तो इस तरह का चेंजेस हमारा वेबसाइट के अंदर आया है ठीक है तो अभी हम लोग यहाँ पर जो मेन बार है इसको चेंजेस करेंगे इसके लिए यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ब्लॉक आर्काइव लूप टेम्पलेट इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये हमारा आ चुका है अभी हम लोग इसमें क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या क्या यहाँ पर क्वेरी के अंदर जाते हैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारा चीज आ जाएगा एलिमेंट ऑप्शन के अंदर ब्लॉक सेक्शन के अंदर और यहाँ पर क्लिक करते हैं पोस्ट टेम्पलेट ओके पोस्ट टेम्पलेट के अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर ब्लॉक सेटिंग देख सकते हो तो यहाँ पर ब्लॉक सेटिंग कितना है ओके यहाँ पर 100 हंड्रेड परसेंट यहाँ पर लेआउट ऑप्शन के अंदर जाते हैं यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एवी पोजिशन डिफ़ॉल्ट एवी डिफ़ॉल्ट रहेगा उसके बाद यहाँ पर शॉइल्ट ओके साइजिंग यहाँ पर हाइट हंड्रेड परसेंट विद हंड्रेड परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर अगर हम लोग फिफ्टी परसेंट देते हैं तो इस तरह देखेगा तो यहाँ पर हम लोग हंड्रेड परसेंट ही लगते हैं उसके बाद स्पेसिंग के अंदर जाते हैं पेडिंग फिफ्टी परसेंट यहाँ पर हम लोग पेरिंग को हम लोग करते हैं 10 ठीक है टेन, पेडिंग को टेन करके हम लोग देखते हैं तो आपको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप लोग कीजिए ओके पेडिंग हम टेन कर दिया अभी ये जो स्पेस बग रहा है ये ख़त्म हो चुका है हमारा साइट का ठीक है तो सारा स्पेस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है उसके बाद ये जो मेगा टेक है इसको अगर आपको नहीं देना है तो यह से आप लोग क्लिक कर सकते यह से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं तो ये हमारा नहीं आएगा बोकि okay, ये हमारा नहीं आएगा और हेडर के अंदर हम लोग आ, कुछ चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं जैसे कि हेडर के अंदर हम लोग यहाँ पर पोस्ट टेम्पलेट पोस्ट टाइटल के अंदर है यहाँ पर हम लोग साइजिंग स्पेसिंग यहाँ पर बॉर्डर हम लोग दे सकते हैं वन पिक्सेल बॉर्डर वन पिक्सेल डाल देते हैं ओके okay, यहाँ पर भी वन यहाँ पर भी वन और यहाँ पर भी हम लोग वन पिक्सल का डाल देते हैं ताकि ये हमारा टाइटल के अंदर बॉर्डर रहे हैं. ठीक है ओके okay, टाइटल के अंदर हमारा तो बॉर्डर आ चुका है तो ये जो टाइटल है इसको हम लोग इस साइड के अंदर थोड़ा सा लेकर आएंगे हमारे टेक्स्ट को इसके लिए स्पेसिंग के अंदर हम लोग पेडिंग लैब के अंदर हम लोग यहाँ पर वन टेन कर देते हैं और यहाँ पर मार्जिन हम लोग यहाँ पर हम लोग टेन हर करेंगे तो मार्जिन वन है वन ही रहेगा उसके बाद बॉर्डर इस तरह का है बॉर्डर का रिड्यूस इसमें हम लोग कर देंगे टेन ठीक है उसके बाद पब्लिश में क्लिक कर देंगे सेब में और यहाँ पर हमारा ये चेंजेस हो चुका है ठीक है तो इस तरह का अभी हमारा जो साइड है वो हो चुका है अभी हम लोग ये जो रीड मोर बटन है इसका डिज़ाइन करेंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसमें एडवांस ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ पर अगर एडिशनल एक सीएसएस ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्योंकि हमारा आ, ये जो एडिशनल कस्टम सीएसएस हम लोग ऐड किए हैं उसके अंदर ये जो बटन का ये जो सी है इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मे भी ठीक है यहाँ पर कॉपी करते हैं और एडिशनल सी के अंदर इस क्लास को ऐड कर है, हैं ठीक है यहाँ पर डॉट देते हैं मे भी यह काम नहीं करेगा यहाँ पर ओके काम नहीं कर रहा है कोई बात नहीं हम लोग इसको खुद ही देखते हैं फिर से ओके काम कर चुका है आप लोग देख सकते हो ये हमारा चेंजेस हो चुका है ठीक है तो इस तरह का बेसिकली ये आप लोग कर सकते और यहाँ पर हम लोग फुल आपको जो पे थीम कैसे कस्टमाइज करते हैं वो आपको दिखाया है आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इजीली इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉ, कॉमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक है इसके लिए यूट्यूब तो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए थैंक्स